करते हैं। शिखर के इलाके नयसलो में टेक्निकल खराबी की वजह से बंद होने वाली बिजली कई रोज गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। बेशतर इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। इफ्तारी और सहरी में बिजली की बंदिश की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तिसर के लोगों ने कहा कि यूनियन काउंसिल तिसर में कई दिनों से बिजली गायब है। नयसलो खराब होने के बाद से अब तक बिजली की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। वाबदा अरकान ने भी संगीन सूरत हाल से मुंह मोड़ लिया है। अवाम इलाका ने कहा है कि अभी तक मुतल्लिका महकमे में जाकर शिकायतें भी जमा कराई गई हैं, ताहम इन पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शदीद गर्मी के मौसम के साथ साथ माह मुकद्दस रमजान में भी लोग बिजली से महरूम हैं। सहरी और इफ्तारी के दौरान भी बिजली बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम इलाका ने वजीर पानी व बिजली और महकमा के आला हुकाम से तिसर में बिजली की बंदिश का नोटिस लेने और फौरी बिजली की फराहमी का मुतालबा किया है।